हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि केवीएस एग्जाम टीजीटी पीजीटी का बहुत ही नज़दीक है, उसको देखते हुए मैंने 665 क्वेश्चन का सीरीज आपके समक्ष लाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें से यह सातवां पार्ट है और इसको जल्द से जल्द मैं आपके समक्ष पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने समय पर विशेष ध्यान दीजिए और एक सेकेंड भी किसी अदर वर्क पर मत बिताइए, यही आपका गोल्डन टाइम है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नतर अथवा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। किसी भी प्राणी की, चाहे उच्चतर प्राणी हो चाहे निम्नतर प्राणी हो, उसको जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे भोजन को देखकर लार आना, ये क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, खेल कूद भी संवेग के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो खेल कूद में संवेग की सर्वोत्तम विधि है उदात्तीकरण, जिसे सबलिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ वर्धन का अर्थ है। तो इसका अर्थ है सुषुम्ना से बाहर की ओर विकास। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष पुच्छीय सेफालोकॉडल वर्धन का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि वर्धन जो है मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत दिए हुए थे इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किया? तो सीखने के नियम को प्रस्तुत किया थॉर्नडाइक ने। इन्होंने तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सीखने का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा किसका समानार्थक है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वह सिर्फ बायोफीडबैक सिद्धांत का समानार्थक है, जो एक जैविक क्रिया है, प्राकृतिक है, और इसको मैकलिलैंड ने इसको प्रतिपादित किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, आरंभ में अपवर्धित निष्पादन किंतु क्रमिक विकास का संकेत किसके द्वारा मिलता है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप आरंभ में अपवर्धित निष्पादन यानी कि आरंभ में जो सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह कम होती है और किंतु क्रमिक विकास का संकेत किसके द्वारा मिलता है? तो आरंभ में कम और बाद में क्रमिक विकास, मतलब विकास ज्यादा हो रहा है यानी ज्यादा सीखने की प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें कौन सा वक्र बनेगा? तो इसमें वक्र बनेगा दोस्तों नतोदर ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? नतोदर यानी कि पॉजिटिव। जैसे कि सीखने के वक्र जो होता है, ग्राफ जो होता है, तीन प्रकार का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और कॉम्बिनेशन, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित। तो जो ऋणात्मक होता है उसमें, ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव होता है उसको उत्तोदर ग्राफ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आरंभ में सीखने की जो संबंधी गति होती है वो तीव्र होती है, बाद में मंद होती है। और जो दूसरा होता है पॉजिटिव यानी
धनात्मक प्रगति सूचक जिसे हम नतूदर ग्राफ कहते हैं, इसमें आरंभ में मंद होता है, बाद में तीव्र होता है, और जो मिश्रित होता है यानी कॉम्बिनेशन उसमें घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आपका नतूदर ग्राफ यानी कि पॉजिटिव कर्व आपका सही हो जाएगा। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में संवर्धित निष्पादन लेकिन बाद में क्रमिक ह्रास का संकेत मिलता है। तो बाद में क्रमिक ह्रास है, इसका मतलब कि ऋणात्मक कर्व बनेगा यानी कि नेगेटिव कर्व बनेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव कर्व बनेगा तो उसको हम कहेंगे उन्तोदर ग्राफ। क्या कहेंगे? उन्तोदर ग्राफ। यहाँ पे वक्र बनेगा, वक्र कैसे बनेगा दोस्तों? यहाँ पे आपका वक्र बनेगा जब ऋणात्मक प्रगति सूचक रहेगा, यानी कि आरंभ में गति जो होता है वह तीव्र होता है। आरंभ में कैसा होता है? गति बढ़ रहा है, अब बाद में क्या होगा? घट रहा है। तो ये आपका ऋणात्मक यानी उन्तोदर ग्राफ हो गया। और नतोदर ग्राफ में क्या होता है? जिसे आरंभ में सीखने की जो गति होती है वह मंद होती है। क्या होती है? मंद होती है, और बाद में क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार आपका होगा नतोदर का। किसका? नतोदर का, ठीक है। और ये है आपका उन्तोदर का, ठीक। और तीसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है कि बढ़ता घटता रहता है, सर्पिल जैसा होता है। और एक और होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं सीखने में पठार, यानी कि प्ले टू इन लर्निंग। उसमें क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो सीखने की अवधि होती है, सीखने की अवधि में सीखने में कोई प्रगति होता हुआ नहीं दिखाई देता, यानी कुछ समय के लिए जो प्रगति होती है वो रुक जाती है, यानी कि वह सपाट जाती है। उसका वक्र कैसा होता है? उसका वक्र जो होता है एकदम सपाट होता है। पठार का वक्र कैसा होता है? ऐसे एकदम बनेगा, यानी कि जो प्रगति होती है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए, और वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाकर सीधे चलने लगती है एकदम सपाट। उसी को हम कहते हैं सीखने में पठार। और एक क्रिया ऐसा होता है कि अचानक स्पर्ट जिसे कहते हैं, सडन स्पर्ट, यानी कि किसी भी लर्निंग कर्व में प्लेटू यानी कि पठार बनने के बाद अचानक तेजी से कर्व बढ़ता है, वक्र बढ़ता है, जिसे पता चलता है कि ज्ञान में वृद्धि हुई है। अतः यह नई प्रेरणा के कारण होता है, ठीक है। आपने उसको जो सिखाने की प्रक्रिया है उसको चेंज कर दिया, और उसमें जो भी कारण रुकावटें थी उसको खत्म कर दिया, तो अचानक से आपका सीखना बढ़ जाता है। उसको हम कहते हैं अचानक स्पर्ट यानी सडन स्पर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा ग्राफ में आरंभिक अत्यधिक वृद्धि त्वरित प्रगति का संकेत है, इसका तकनीकी नाम है। तो इसको तकनीकी रूप से हम कहते हैं इनिशियल स्पर्ट यानी आरंभिक झोंक, झोंके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा बच्चों में किस प्रकार की अभिप्रेरणा लागू नहीं होती है। तो दोस्तों युवा बच्चे जो होते हैं ज्यादा तक बाहरी दुनिया से लगाव रखते हैं, अब मूलभूत अभिप्रेरणा से उनपे ज्यादा लागू नहीं होता, उससे वो दूर हटना चाहते हैं। नेक्स्ट है सीखने का प्रयत्न एंड भूल सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था। तो इस सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे। नेक्स्ट है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो बचपन में सबसे ज्यादा परिवार से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ियों में कुंठा का कारण है। तो दोस्तों खिलाड़ियों में कुंठा का क्या कारण है? तो खिलाड़ियों में कुंठा का कारण है आमतौर पर आकांक्षा और योग्यता के बेमेल स्तर के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 से 11 वर्षों तक
संवर्धन और विकास की अवधि को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ही आपका बाल्य अवस्था बीतता है उसके जस्ट बाद का समय होता है जिसे हम परवर्ती बचपन कहते हैं यानी प्री एडोलेसेंस कहते हैं, जिसे प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रतियोगिताओं में निम्नतर इस निष्पादन का क्या कारण है? तो इसका कारण है चिंता, यानी चिंता आप जितना ही करेंगे आपका स्तर उतना ही निम्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का कारण है यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसका क्या कारण है? तो उसका सबसे मेन कारण होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक शिक्षण का एक नाम यह भी है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण मतलब उसमें दिमाग की बात होता है, तो यहाँ पे मानसिक शिक्षण यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं। तो अंतर्मुखी यानी कि अपने में ज्यादा अभिरुचि रखते हैं, किसमें? अपने में। जैसे कि लोगों को अंतर्मुखी बहिर्मुखी में बांटा है किम्बल यंग ने, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो किशोरावस्था में अपने समकक्ष यानी संग साथियों से ज्यादा प्रभावित होता है, समकक्ष समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाग्रता संकीर्तन मार्ग है। तो दोस्तों एकाग्रता ध्यान का संकीर्तन मार्ग है, जितना ही आपको एकाग्रता होगी ध्यान उतना ही आपका रहेगा। नेक्स्ट है सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन यानी कि कंडीशनड रिफ्लेक्स सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो कंडीशनिंग थ्योरी दोस्तों दिया है, कंडीशन का पितामह है, अनुबंधन का पितामह कहा जाता है पावलोव को, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है? तो यह गतिबोधक ज्ञान के द्वारा ही सबसे ज्यादा सुविधाजनक बनता है। नेक्स्ट है समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है। तो समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है कार्यशीलता के दौरान। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का उत्प्रेरणा का संबंध है। तो उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध दोस्तों व्यक्ति की आवश्यकता से होता है, और जिस प्रकार की आपकी आवश्यकता होगी उसी प्रकार की आपकी उपलब्धि भी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी गई सूचना है। तो जो टर्मिनल फीडबैक है नौसिखिया को कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के प्रभाव का नियम किसने निरूपित किया? तो सीखने के प्रभाव का नियम थार्नडाइक ने निरूपित किया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों नियमों को, प्रभाव का नियम को संतोष असंतोष का नियम या पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसकी आबादी का मनोवैज्ञानिक सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं? तो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक कबूतरों और चूहों पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा बोला गया। क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान। फिर इसको मन का विज्ञान बोला गया, फिर इसको चेतना का विज्ञान बोला गया, अब आधुनिक रूप में इसको व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। किसका? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान।
नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है विलियम वुंड को, ठीक है, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को। नेक्स्ट है, किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है, क्योंकि सहभागी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर आपदा की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। दोस्तों, जैसे कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी और दूसरा पैरासिंपैथेटिक यानी कि परानुकंपी। तो जो सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो आपदा के समय, क्रोध, घृणा और कठिनाई के समय, अचानक आई विपत्ति के समय वो एक्टिव होता है, तो उससे आपको रक्षा करता है। जैसे कि आपको कोई, आप रास्ते में जा रहे हैं, पागल कुत्ता आपको दौड़ा दिया, तो उसमें एकाएक आपको उससे लड़ने की क्षमता दे देगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पे आपको सामना करो भागो की स्थिति में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा और शांत अवस्था में आपका पैरासिंपैथेटिक यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे उत्तेजना की अवस्था, सामना करो भागो की स्थिति में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा, यानी कि यहाँ पे अनुसंवेदी यानी कि अनुकंपी इसका मतलब होगा। तो अनुकंपी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुसंवेदी यानी इसका मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा उस समय, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों, इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।